तब आपने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा? हमने इस जमन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि चूंकि आप इस चीज से वाकिफ हो कि रिसेंटली यहाँ पे एएलसी जो हमारे कुफवारा के थे इंचार्ज है, वो वहाँ पे वो ऑलरेडी लेबर कमिश्नर कश्मीर डिवीजन है इस टाइम, उन्होंने हमें डायरेक्ट किया कि जो आने वाली संडे से कंप्लीट बंद रहना चाहिए, एज लेबर लॉ 1942 है, ये हंदवारा के लिए इंप्लीमेंट नहीं होता, ये बाकी जगह जितनी भी स्टेट्स हिंदुस्तान में है हर एक स्टेट पे ये इंप्लीमेंट होता है। बट अभी कुछ देर पहले हमें उनसे एक कॉल रिसीव आई, जो लेबर डिपार्टमेंट कुफवारा है उनसे हमें एक कॉल रिसीव हुई, उन्होंने हमें डायरेक्ट कर लिया कि जो आने वाली संडे है, दैट मींस जो कल संडे है 3rd of July 2022, ये मार्केट कंप्लीट खुला रहना चाहिए क्योंकि ईद उल अजहा का त्यौहार आने वाला है। इस जमन में सुबह से ही इनफैक्ट हम अपने दुकानदार भाइयों से भी कॉल्स रिसीव कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हाँ कल के दिन दुकानें खुली रहनी चाहिए क्योंकि बड़ा दिन आ रहा है। तो इस जमन में फिर हमने यहाँ से भी लेबर डिपार्टमेंट को अप्रोच किया था, तो फॉर्चुनेटली फिर उन्होंने 3:30 बजे हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं कल ईद के इस मुकदस मौके पर कल पूरा मार्केट खुला रहना चाहिए। तो ये आपका ये पैगाम है कि लोगों को राहत रसाई पहुंचाने के लिए जो कल की संडे है मार्केट पूरा खुला रहेगा, और ईद के लिए जो तैयारियां मुकम्मल अभी लोगों को करनी बाकी है, लोगों को राहत पहुंचाने का ये पैगाम होगा। डेफिनेटली हम इस चीज़ से तो मतलब इसी चीज़ के साथ मुतफिक है कि हमने अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी की अभी मीटिंग बुलाई, उसमें ये तय पाया गया कि जो कल का दिन है ये खुला रहे ताकि जितने भी हमारे ग्राहक्स हैं, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, उनको इस ईद पे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इस जमन में हमने कल मार्केट पूरा ओपन रखा है, हम चाहते हैं कि ईद हमारे लिए खुशहाली का और खुशहाली और अमर लेके आ जाए। तो इस हवाले से मैं अपने दुकानदार भाइयों से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि वो कल अपनी अपनी दुकानें सारी खुली रखें। बट एक और एक चीज़ मैं ऐड कर देना चाहता हूं कि ये जो हमने ये जो ऑर्डर है ये बस कल की संडे के लिए इंप्लीमेंट होता है, और इसके बाद जो और एक संडे वो तो ईद ही है, उसके बाद जितने भी संडेज है एज पर द लेबर लॉ एज पर द डायरेक्शंस, उसके बाद जितनी भी संडेज है वो कंप्लीटली बंद रहेंगी, जो उसके बाद खुला रहेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको फाइन भरना पड़ेगा। सर, ईद के मुकद्दस मौके पर गरम फरोशी का बाजार गर्म होता है, उस हवाले से किस तरह के इकदाम उठाने वाली है ट्रेड यूनिट हंदवाड़ा? डॉक्टर साहब, मैं आपकी नोट्स में एक चीज लाना चाहता हूँ, जो हमारी रेट कमेटी जो देखती है उसके यहाँ पे जो चीफ पेट्रोल ऑफिसर साहब मेरे साथ ही बैठे हैं, ये पिछले एक हफ्ते से कंप्लीटली इसी चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं। जितने भी हमारी रेट्स निकलती है मार्केट में, फूड डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद फूड डिपार्टमेंट, हमने उनके साथ पूरी उनके साथ टाई अप करके ना जितनी भी फ्रेश रेट्स आई है जो ईद पे निकलने वाली है, हमने वो रेट्स निकालनी है। एक दो दिन में हमारे जो रेट लिस्ट है वो इजरा होंगे, पूरे मार्केट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद भी अगर किसी ग्राहक को लगता है कि मेरे साथ मुझे कोई महंगा भेज रहा है, मुझे मेरे साथ कुछ ये धांधली कर रहा है, उनके वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उस जगह तो हम अपने दुकानदार को कतई तो डिफेंड नहीं करेंगे। जहां पे लगेगा हमारा दुकानदार कहीं पे गलत है, हम नहीं बैठे उसके लिए कि हम उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से आपकी चैनल के माध्यम से हर एक कस्टमर को एश्योर कर देते हैं जो इस ईद पे इंशाल्लाह ताला रेट्स होंगी। हम वसूख के साथ कहना चाहते हैं कि ऐसी रेट्स आपको पूरे कश्मीर जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगी।